के देखो पूरे पैर लास्ट तक पहुंचते हैं। आप सब भी दर्शन कर लो, मैंने तो कर लिए। लीक भी हुई थी वो यहीं पे, क्रिस गेल और रोहित शर्मा। राधे राधे सभी को, होप करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होगा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो अभी जैसे कि हमें जम्मू के नीले वाले पुल पे, मतलब यहाँ से व्यू बहुत खतरनाक आता है और यहाँ से आवाज़ आती नहीं है रिकॉर्ड करो तो अभी आए हुए हमारे साथ हमारा भाई निखिल। और ब्रो क्या हाल है? बढ़िया। तो मतलब बहुत दिनों बाद आया, तो आज हम जम्मू की कुछ गिनी चुनी जगहों पर आपको लेके जाने वाले हैं और मैं काफ़ी सारी डांस वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत दिनों से कोई कंटेंट शूट नहीं किया, तो कुछ पड़ा ही नहीं है डालने को। भाई मैं डालूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आज जैसे कि एम एस स्टेडियम में थोड़ी कार्स की पता नहीं रेस रूस होने वाली, पता नहीं क्या होने वाली है, अभी वही चल के देखेंगे और आपको भी दिखाऊंगा। और भी हम हरी सिंह पैलेस जाएंगे फिर से और वहाँ पे वीडियो बनाएंगे क्योंकि कोई था नहीं आज वीडियो बनाने के लिए। तो चलो निखिल आया तो हम फाइनली आज बहुत सारा कंटेंट रिकॉर्ड करेंगे। देखो शुरू भी हो गया, चेक करो एक बार, ऐसी कुछ जगह है मतलब खतरनाक है। यहाँ पे मैंने 3-4 डांस वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे, जरूर से जाके फॉलो कर लो। चलो चलते हैं। चेक करो एक बार, रेसिंग वाली निकल बैठ के दिखा। मस्टैंग जीटी, मतलब मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स कार अगर कोई है ना तो वो सबसे पहले मस्टैंग है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब लिटरली इसकी लुक बहुत सही आती है ना। मैं बहुत बार देखी है, इतने पास से और फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और इतनी मेहनत करनी है ना कि ये गाड़ी एक दिन ले सके। ऐसे कितनी खतरनाक है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये, सबसे मेरी फेवरेट गाड़ी यही है। बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं निखिल, हम बैठे तो हमको बता के ले जाएंगे घर पे। ये खतरनाक लग रहे हो, आपको ही चलानी चाहिए। काफी ज्यादा छोटी लग रही है ना, अंदर काफी सारी जगह इसके, देखो पूरे पैर लास्ट तक पहुंचते हैं। स्टीयरिंग चेक करो। चलो चलो बाहर, हमसे ना हो पाएगा। आपसे मेरी वीडियो में एमएस स्टेडियम पहली बार देख रहे होगे क्योंकि मैं आया ही यहाँ पे पहली बार हूँ। मतलब इतने अच्छे से नहीं घूमा ग्राउंड तक ही गया था, ऐसे स्कूल या कॉलेज वालों के साथ आता था। तो ये है कबड्डी का ग्राउंड भाई, खतरनाक है वहाँ पे। आज हमने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, आज मतलब कार इवेंट था थोड़ा सा, तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आई। अभी ड्रिफ्टिंग भी होगी तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। एम ए स्टेडियम का ग्राउंड, मतलब जितनी सारी चीज़ें होती है ना, परेड शेड मार्च पास्ट 26 जनवरी को, या जितने भी यहाँ पे प्रीमियर लीग भी हुई थी वो यहीं पे हुई थी, क्रिस गेल और रोहित शर्मा वर्मा ऐसे। देखो गेम खेलता तू? ये क्या गोली बाहर आ गई थी फोन से? हाँ बता, कोई गोली बाहर आ गई थी फ्री फायर की? हाँ बोल। टायर फट गया, मतलब भाई जीटी खतरनाक है। तो यहाँ पे कुछ बदमाश लोगों की भी एंट्री होगी है जिनको करंट लगी हुई है, ये देखो। और भाई खंबे के साथ चिपक गए थे क्या? क्या हाल है? बढ़िया। ये भाई मतलब खतरनाक है, कॉलेज में गुंडा बदमाश यही है ना। जोर जोर से बोल के लगूंगा स्कीम में बता दी थी। तो हम निकलने का टाइम आ गया, काफी ज्यादा थक गए।
नेक्स्ट डे सेम वीडियो। तो अभी जैसे कि हम फुल तैयार हो चुके हैं कॉलेज जाने के लिए, लेकिन कॉलेज जाने से पहले हम जाएंगे गोल मार्केट, क्योंकि वहाँ पे गणेश भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई हुई है, तो हम गणपति पापा के दर्शन भी करके आएंगे और आप सबको भी कराऊंगा मैं। तो चलो चलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा हूँ कॉलेज के लिए, लेकिन दर्शन करके आएंगे फिर जाएंगे कोई क्लास लगाएंगे, दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले गणपति पापा के दर्शन कर लो तो काम बहुत अच्छा जाता है। तो चलो चलते हैं, फाइनली पहुंच गए। देखो कितना बड़ा सा सजाया हुआ है, अच्छा से अंदर चल के दिखाता हूँ, आप सब भी दर्शन कर लो, मैंने तो कर लिए। गणपति बप्पा मोरिया, और ये देखो प्रसाद में मुझे मोदक मिला, फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। मतलब देखो कितनी विशाल मूर्ति लगाई हुई है, और मैं पप्पा से प्रार्थना करूँगा कि वो आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि पाठ चल रहा है। दर्शन तो हो गए, अब चल रहे हैं कॉलेज। तो फाइनली जैसे कि मैं अपने घर पे आ गया हूँ कॉलेज से, और आज फ्राइडे है जैसे कि, तो आज सिर्फ और सिर्फ दो ही क्लासे होती है, तो मैं मतलब बहुत जल्दी आ गया कॉलेज से घर। तो क्या आप सबको पता है कि हम आखिरकार गणेश चतुर्थी मनाते क्यों हैं? तो इसका जो संबंध है वो महाभारत से लिंक है। तो मतलब जो महर्षि वेदव्यास थे, उन्होंने प्रार्थना की गणेश भगवान से कि वो उनकी सहायता करें, किस चीज़ को लिखने में, महाभारत को लिखने में। तो गणेश भगवान ने कहा कि मैं आपकी सहायता कर दूंगा, लेकिन मैं अगर लिखना स्टार्ट करूंगा तो मैं वो चीज़ तब तक लिखता रहूंगा जब तक वो पूरी खत्म ना हो जाए। तो महर्षि वेदव्यास ने उनको कहा कि ठीक है, लेकिन आप जो कुछ भी लिखोगे आप उसका पूरा मीनिंग समझकर वो चीज़ लिखोगे। तो गणेश भगवान ने महाभारत लिखना स्टार्ट कर दिया, और उनको महाभारत को लिखने में 10 दिन लग गए। तो फिर 10 दिन बाद जब उनकी बॉडी, जब वो लिखते रहे तो उनके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई। तो जो महर्षि वेदव्यास थे वो उनको पास की नदी में लेके गए और उनको स्नान करवाया। गणेश भगवान ने वरदान दिया कि चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक जो भी मेरी सेवा करेगा 10 दिनों के लिए, और आखिरी दिन मेरे को स्नान कराएगा, मैं उसके सारे विघ्न हर लूंगा। इसलिए हम गणेश भगवान को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो गाइज यही रीज़न है कि हम असल गणपति पप्पा को अपने घर पर लेके आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और 10वें दिन हम उनका स्नान करवाते हैं, यानी विसर्जन करते हैं कि अगले साल फिर से आना और हम सबके सारे कष्ट हर लेना। तो मैं भी उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबके सारी मनोकामनाएँ पूरी करें और सबको खुश रखे। और आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको स्पीड फेस्ट दिखाया जो कि जम्मू में हुआ था, वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने काफ़ी सारी सुपर कार्स देखी, और मैंने आपको गणपति बप्पा के दर्शन भी कराए। तो बस आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, और आप सब सपोर्ट कर दो, आप सबके प्यार की वजह से हमारे 700 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो और सपोर्ट बना के रखो, बन के भी जल्दी करेंगे। तो होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। पसंद आई तो वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कौन सी सुपर बाइक है बता, ये बातें बताई नहीं जाती। दस मंगे 100 दवा, जो मंगे ओ दवा, गल्ला चिकन ओ दवा नहीं जटिए, चढ़ के जवारे।